Hello students, let I introduce you about the changes made by CBSE today. I am Rakesh Mishra from Biophilic Concept. In previous video lecture, I have described you whatever changes made by CBSE for 12th class. In this video section, I will describe you whatever changes made by CBSE for 11th class. अब यहाँ पे आपको देखना ही है कि ये class 11th, 19th, 20th का हमारे पास प्रॉस्पेक्टस है और ये क्लास 11th 2020 और 21 का प्रॉस्पेक्टस है। दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मार्किंग स्कीम दिया हुआ है यानी कि थियरी के मार्क्स दिए हुए हैं वो 70 इसमें है और 70 90 20 में भी है, यानी कि ये मार्क्स जो है थियरी के अभी भी आपके 70 ही रहेंगे, ठीक है। और जो चेंजेज हुए हैं वो इसमें हुए हैं, इन सब सारी चीज़ों में हुए हैं, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि चेंजेस किस में हुए हैं, तो चेंजेस जो है मार्किंग स्कीम में हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए, हम वन बाय वन इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें सेशन 2019-20 की, तो ये लास्ट ईयर तक का था। यहाँ पे आपके जो लेसन यूनिट हैं वो कुल 5 यूनिट 11th में बायोलॉजी सेक्शन में आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 यूनिट जो है आपको 11th में पढ़ने हैं और बाकी के 5 यूनिट आप 12th में पढ़ेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए कि 12th में जब जाएंगे तो उसमें जो पहला यूनिट होगा उसमें पहला यूनिट क्या होगा, यूनिट 6 होगा और इसमें पहला यूनिट यूनिट फर्स्ट है। यानी कि कुल आपको PMT के लिए मेडिकल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कुल आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ के एग्ज़ाम देने रहते हैं, 10 यूनिट, और ये जो 10 यूनिट है उसमें से 5 यूनिट आपको 11th क्लास में और 5 यूनिट जो है वो 12th क्लास में पढ़ने होते हैं, ठीक है। 5 यूनिट 11th में और 5 यूनिट 12th में पढ़ने होते हैं। 12th में 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट है और 11th में 1 से लेकर के 5 यूनिट है, ठीक है। जो पहले से लेकर के 5th तक यूनिट है 11th में वो क्या है, पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बाद क्या है, इसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बाद क्या है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें चेंजेज हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी होनी बाकी, मतलब अब कुछ बाकी नहीं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स जो है गायब हुए हैं, कौन कौन से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर गायब हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, इसमें हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ पीरियड पर मत जाइए इस साल, तो नंबर ऑफ पीरियड पर वैल्यू नहीं रखती है। फिलहाल मार्क्स पे हम चेक करें तो लास्ट ईयर पहले यूनिट से 10 मार्क्स थे, पहले यूनिट से कितने मार्क्स थे, 10 मार्क्स थे। इस बार पहले यूनिट में कुल आपके 15 मार्क्स रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, 15 मार्क्स, यानी कि आपका 5 मार्क्स क्या हो गया है, ये 5 मार्क्स जो आपका इंक्रीज कर दिया गया है, किसमें, यूनिट 1 में। यूनिट 1 में कुल 4 चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इसमें से कोई भी चैप्टर जो है आउट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक चैप्टर 1 से आउट हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, लेकिन कोई चैप्टर इसमें से गायब नहीं हुआ, यानी कि कुल 4 चैप्टर पढ़ के 15 नंबर देने, पास नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आते हैं सेकेंड यूनिट की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें पहले तो था जो 3 चैप्टर, ठीक है, वो कौन कौन सा था, चैप्टर 5 था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद क्या था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और चैप्टर 7 था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें एक चीज़ गायब हो गया, कौन सा, चैप्टर 6 जो है इस साल नहीं पढ़ना, यूनिट सेकेंड से चैप्टर 6 आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 6 क्या था भाई, चैप्टर 6 था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि टिश्यू वगैरह था, सेकेंडरी ग्रोथ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था सेकेंडरी ग्रोथ, और आई थिंक उसको कहीं ना कहीं मर्ज कर देना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि CBSE के अपने नॉर्म्स हैं, CBSE के अपने पैरामीटर्स हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आई मिस इट। ओल्ड स्टूडेंट्स उसको जानते होंगे, काफ़ी गजब का था, उसमें चीज़ें मार्क्स ज़्यादा मिलते थे, ठीक है, लेकिन इस साल आपको चैप्टर 6 नहीं पढ़ने, तो मतलब पहले पहला चैप्टर जो गायब हुआ है वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 गायब हुआ, मीन्स किस यूनिट से, यूनिट सेकंड से। लास्ट ईयर कुल 12 मार्क्स के थे, ठीक है, अभी देखो 19-20 चल ही रहा है, 19-20 चल रहा है, तो लास्ट ईयर कितने हैं, कुल 12 मार्क्स के थे, लेकिन इस साल ये घटा करके 8 मार्क्स के कर दिए गए हैं,
यानी कि इस साल इससे पूर्व कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि 4 नंबर इससे क्या हुआ है, माइनस हो गया है, ठीक है, नंबर इधर उधर होते हैं, ठीक है, कहीं बढ़ता नहीं है, कहीं घटता नहीं, बढ़ता तो ओवरऑल यहाँ पे 70 पे अफेक्ट होता है, ठीक, ये 70 अफेक्ट नहीं, इसका मतलब नंबर उसी में इधर उधर हो जा रहा है, तो ये 8 नंबर आपके हो गए हैं। लास्ट ईयर कितने थे, लास्ट ईयर जो है 12 मार्क्स के थे। अब आते हैं यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड की, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की मैं बात करूँ, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें कुल जो है आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8, उसके बाद चैप्टर 9 था बायोमोलिक्यूल्स, और चैप्टर 10 था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कुल आपको 3 चैप्टर इससे पढ़ने हैं। इसमें से चैप्टर 8, 9, 10 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि इससे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, और किससे चेंज नहीं हुआ, इससे कोई चेंज नहीं हुआ है, इससे टॉपिक्स जरूर गायब हुआ है लेकिन कोई चैप्टर आउट नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपके यूनिट सेकेंड से अभी आउट चल रहा है, वो भी चैप्टर 6, ठीक है, तो आप निश्चित रहें चैप्टर जो हमारा 8, 9, 10 है वो अभी भी एज यूजुअल पिछले साल की तरह से बना हुआ, इम्पोर्टेंट था क्योंकि बेसिक्स था इस वजह से इसको हटाया नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट ईयर जो मार्क था वो कितना था, 14, लास्ट ईयर इससे कुल कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते थे, 14, इस साल इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इस साल ये कितना हो गया है, 1 नंबर इसमें बढ़ा दिया गया है और ये हो गया है 15, ठीक है, 1 नंबर सिर्फ बढ़ा है और वो हो गया है 15 नंबर का, ठीक है, इससे कुल 15 नंबर पढ़ के क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर कितने पढ़ने हैं, सिर्फ जो है आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी पे आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में कुल आपके 5 चैप्टर होते हैं, कुल कितने चैप्टर होते हैं, 5, कौन कौन से, चैप्टर 11, 12, 13, 14 और 15, चैप्टर 11 क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर 12 क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 क्या है, फोटोसिंथेसिस इन आवर प्लांट्स, और चैप्टर 14 क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, चैप्टर 15 क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा अगर इस साल चेंजेज हुआ है तो वो है यूनिट 4th, यानी प्लांट फिजियोलॉजी, स्टूडेंट के लिए बहुत राहत की बात है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर 11 और चैप्टर 12 क्या हो गया है, सिलेबस से आउट हो गया, यानी इस साल आप ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे और मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जरूर लेकिन पढ़ने में आसान था, ठीक है, और आपको अब जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ऐसा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो 11th लेवल का होता है उस तरह का नहीं, 10th लेवल का उस तरह का नहीं इसमें पढ़ना रहेगा, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़े से इसमें दिमाग लगाने रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने भी है और पढ़ने में, TCA साइकिल है, क्रैप साइकिल, मतलब थोड़ा सा कुल मिला करके कूड़ा का बाड़ा है, लेकिन आपको दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो कुछ कूड़ा का बाड़ा, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब इसमें देखो मार्क्स की मैं बात कर दूँ, मार्किंग स्कीम की मैं बात कर दूँ, तो ये कुल 17 मार्क्स के थे लास्ट ईयर, कितने मार्क्स के थे, 17 मार्क्स, चैप्टर कितने थे 5 और मार्क्स कितना था 17, इस साल जो है 2 नंबर इससे कम हो गए हैं, यानी कि इस साल जो है इससे सिर्फ 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिडक्ट कितने हुए हैं 2 नंबर, ठीक है। अब इस साल आपके क्या हो गए हैं, इस साल जो है कुल 3 चैप्टर हो गए हैं और नंबर कितना हो गया 5, यानी हर चैप्टर से 5 मार्क्स, ठीक है। आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी चेंजेज हुए हैं और सिर्फ 1 चैप्टर में चेंज हुआ है, और कौन सा चेंज हुआ है, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, यानी कि चैप्टर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, चैप्टर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको नहीं पढ़ने हैं, और चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था, इस यूनिट से सबसे ज़्यादा चैप्टर होते थे और कितना चैप्टर होता था 7, इस साल इस चैप्टर से सिर्फ, इस यूनिट से सिर्फ 6 चैप्टर रह जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर 7, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर 19 एक्सिटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और चैप्टर 22 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वगैरह में, उस समय भी टॉपिक्स में चेंजेज हुए, ऐसा नहीं चैप्टर 6 है तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स को पूरा पूरा जो है गायब कर दिया गया, तो इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। मार्क्स की मैं बात कर दूँ तो लास्ट ईयर 17 मार्क्स के थे और इस साल भी कोई चेंजेज नहीं हुआ है, इस साल भी आपके क्या है 17 मार्क्स की है, ठीक है,
तो कुल मिला करके लास्ट ईयर कुल 22 चैप्टर हुआ करते थे 5 यूनिट मिला करके, और इस साल जो है वो 18 चैप्टर हैं, घट करके 4 चैप्टर कम कर दिया गया है, और इस साल 18 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर गायब हुए हैं आपके पास प्रीवियस ईयर वो होगा सिलेबस होगा तो उससे आप कट आउट कर लीजिएगा। चैप्टर 6 नहीं पढ़ना है, चैप्टर 11th नहीं पढ़ना है, चैप्टर 12 नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 16 नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 16 12 में भी गायब हो गया, यानी 16 के साथ बहुत बड़ी बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो पूरा ख़त्म हो गया 1920 के कंपेयर में। अब थोड़ा सा हम 2021 के सिलेबस पे भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 2021 का सिलेबस, ठीक। इसमें वही चीज़ें मैं बताया हूँ, अभी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए जो मैंने बताया आपके 70 मार्क्स एज यूजुअल पड़ा हुआ है। ये 15 मार्क्स पहले यूनिट से, 8 मार्क्स दूसरे यूनिट से, ठीक है। 15 आपके तीसरे और चौथे यूनिट से, और लास्ट यूनिट से कितने हैं 17 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये सब दिमाग में रख लेना है, अब प्रिपरेशन इसी हिसाब से करना है। वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और एलेबोरेट कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें गायब हो गई, कौन कौन सी चीज़ें अभी भी एज यूजुअल पड़ी हुई है, ठीक। देखो ये हमारे लेसन, पहले लेसन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये एज यूजुअल पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहले लेसन में क्या है, व्हाट इज लिविंग बींग, लिविंग बींग का सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोनोमियल नॉमिक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, क्या गायब किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गायब कर दिया है, यानी कि टैक्सोनॉमियल, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होता था वो गायब कर दिया है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स पूरा गायब कर दिया है, और उसमें क्या क्या था, हर्बेरियम था, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन क्या था, अभी इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस साल जो है वो गायब हो गई हैं, ठीक। देखिए इस साल 1920 का ये सिलेबस है, 1920 में अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए तो ये चीज़ें इस साल नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिकल, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन, ये सब नहीं पढ़ना, बाकी ऊपर की सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी कि आपको लिविंग बींग का कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको इस साल पढ़ने हैं, ठीक। दिमाग में बिठा लीजिए कि जो चीज़ें आपको पढ़ना है उसके लिए पहले से क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वीडियो जो पढ़ा हुआ है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह के भी पढ़े हुए हैं, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। जूलॉजिकल पार्क्स, नेशनल, ये बॉटेनिकल गार्डन, ये सब नहीं पढ़ना है। ICBN, ICZN, ये सब पढ़ना है। बायोलॉजिकल नॉमिक्लेचर के सब टूल्स थे, लेकिन ये सब नहीं पढ़ने, ठीक है। तो इस साल ये चेंजेज हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, मतलब जो हमारा ये 2019-20 की मैं बात कर दूं, तो 2019-20 के कंपेयर 2020-21 के कंपेयर में सेकेंड चैप्टर की मैं बात कर दूं, तो सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ, सब कुछ एज यूजुअल पड़ा हुआ है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब सारी चीज़ें एज यूजुअल अभी भी इस साल भी पड़े हुए हैं, मैंने इसमें कोई चीज़ें, ये 2000, हम जो सिलेबस आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो 2020-21 का ये लाइकेन, वायरस, वायराइड्स भी इस साल एज यूजुअल पिछले साल की तरह से है, ठीक है। तो ये आपको कोई चेंजेज नहीं है। चैप्टर थर्ड जो दिख रहा है आपको, चैप्टर थर्ड, इसमें भी आपका क्या है, कोई चेंजेज नहीं है, वो एज यूजुअल पड़ा हुआ है आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी पूरा पूरा पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर फोर की मैं बात कर दूँ, चैप्टर फोर में क्या है, इसमें भी आपका कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है। चैप्टर फोर में आपका कोई चेंजेज नहीं है, ये भी एज यूजुअल इसको पढ़ना है, ठीक है। चलो आते हैं चैप्टर फाइव की मैं बात कर दूँ, चैप्टर फाइव जो यूनिट सेकेंड का पहला पार्ट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और यहाँ पे आप साफ देखेंगे चैप्टर 6 20 से गायब है। देखिए चैप्टर 5 है और सीधे क्या दिया है, चैप्टर 7 दे दिया, 6 गायब कर दिया, एनाटॉमी गायब कर दिया। चैप्टर 5 में भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, कौन कौन से, इसमें जो है रूट, स्टेम, लीव्स की मॉर्फोलॉजी पूरा गायब कर दिया, सीधे आपका क्या दे दिया है, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, यानी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन से शुरू किया। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर था रूट लीफ स्टेम का मॉडिफिकेशन था, टाइप ऑफ लूप लीव्स थे, टाइप्स ऑफ रूट्स था, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें इस साल नहीं पढ़नी है, इस साल आपको सीधे
फ्लावर्स का जो मॉडिफिकेशन है, फ्लावर्स के जो पार्ट है, फ्लावर्स का जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसका फंक्शन वहीं से शुरू करना है। ठीक, तो मतलब आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप रूट सिस्टम डीप शुरुआत से पढ़ते आए, फ्लावर्स के बारे में वो डीप कभी पढ़े नहीं, इस वजह से इसमें दे दिया, अच्छी बात है। लास्ट ईयर जो है तीन तीन फैमिली पढ़नी होती थी, कौन कौन, सोलेनेसी, पेपिलिनुएसी और लिलिएसी। पेपिलिनुएसी को फैबेसी भी बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। तो सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और लिलिएसी लास्ट ईयर थे। इस साल आपको या तो सोलेनेसी पढ़ने हैं या फिर लिलिएसी पढ़ना है, यानी कि सोलेनेसी कौन सी फैमिली, सोलेनेसी हमारा जो आलू का, टमाटर का, ठीक है, ये सब का जो फैमिली होता है उसको सोलेनेसी बोलते हैं। लिलिएसी ये प्याज वाली फैमिली है, ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक पढ़ना, टू बी डेल्ट अलॉन्ग विद द, दिया है अलॉन्ग विद द रिलीवेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस, जो हमारे एरिया में अवेलेबल है उसी के हिसाब से प्रैक्टिकल को हम लेकर के ऑपरेट करेंगे और उसको बताएंगे। तो आपको सिर्फ या तो सोलेनेसी और लिलिएसी इन्हीं दोनों में से पढ़ने हैं, इसके लिए आपको सिलेबस फिजिकल क्लास के दौरान बता दिया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6 गायब कर दिया, चैप्टर 7 पे आ गए। चैप्टर 7 में इस साल सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, लास्ट ईयर आपको कॉकरेज के बारे में, ठीक है, फ्रॉग के बारे में और तुम्हारा जो अर्थवर्म था उसके बारे में फुल डिटेल, उसकी फिजियोलॉजी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बहुत बड़ा हो गया था लास्ट ईयर, ठीक है। और इस साल जो है सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा उसका क्या क्या मॉडिफिकेशन है, कैसे उसके काम करते हैं, सब सारी चीज़ें भी दिखा दे रहे हैं। ये तो आपका न्यू सिलेबस दिख रहा है, फ्लैशबैक हो रहा है, अभी आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है ओल्ड सिलेबस। ये लीजिए आपका ओल्ड सिलेबस आ गया, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में आप देखेंगे कितना लंबा था, जब आपका चैप्टर 6 हुआ करता था। चैप्टर 5 में क्या क्या था, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, इसमें आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस साल जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पढ़ने, अभी दिखाया आपको, ठीक है, सीधे आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है, यानी इन्फ्लोरेसेंस से लेकर के ये सब सारी चीज़ें, सीड भी इस साल नहीं पढ़ने, आपको सीड भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस आपको सिर्फ फ्लावर और फ्लावर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 6 का तो सवाल ही नहीं उठता, ये इस साल गायब हो गया। चैप्टर 7 में सिर्फ इस साल एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं, सिर्फ आपको यही पढ़ना है जो आपके स्क्रीन पर घेरा जा रहा है, सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ना है। और ये मॉर्फोलॉजी देखिए कितना ईमानदारी से पिछले साल के बच्चे मेहनत करते थे, हालांकि तब भी कम पड़ जाता था, पूरा देखिए अपने बारे में छोड़ दीजिए, कॉकरोच के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, ये देखिए इंसेक्ट, कॉकरोच, ठीक है, और उसके बारे में क्या पढ़ना था, उसके बारे में जो है अर्थवर्म के बारे में पढ़ना था, ताना टिकरिना के बारे में, हालांकि लास्ट ईयर से ही वो निकाल दिया गया था, फिर भी हम उसको टाइम लेकर के पढ़ाते थे। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ, नेक्स्ट में जो चेंजेज हुए हैं वो क्या चेंजेज हुए हैं, हमारे चैप्टर 8 से मैं बात कर दूँ, चैप्टर 8 यानी कि यूनिट 3 से क्या क्या चेंजेज हुए, आ जा रहे हैं अपने पुराने यानी नए पैटर्न्स पे। चैप्टर 8 में जो दिख रहा है कोई चेंजेज नहीं हुआ है, 9 में कोई चेंजेज नहीं हुआ, 10 में कोई चेंजेज नहीं हुआ, मतलब ये पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है पढ़ने हैं, 9 में जितने कॉन्सेप्ट है पढ़ने हैं, 10 में जितने कॉन्सेप्ट में हैं, सब सारी चीज़ें पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस पे फोकस करना है। मैं जानता था कि ये अलाउ, ये जो है आउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके 12 में भी कवर अप होते हैं, इस वजह से उसको नहीं हटाया है, ठीक है। चलो आते हैं चैप्टर 11 से लेकर के, देखो अभी चैप्टर 10 के बाद सीधे क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 13 दिख रहा है। मैंने बताया कि चैप्टर 11 इस साल गायब कर दिया है, चैप्टर 12 इस साल गायब कर दिया, अभी आपको क्या दिख रहा है, चैप्टर 10 के बाद से सीधे चैप्टर 13 दिख रहा है, यानी कि क्या गायब कर दिया है, चैप्टर 11th एंड 12th, ये पूरी तरह से इस साल क्या हो गया है, गायब हो गया है सिलेबस से। चैप्टर 13 और 14 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। अभी क्या दिख रहा है, चैप्टर जो हमारा 13 दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो दुनिया भर का कबाड़ा दिख रहा है आपके, सब पढ़ाया जाएगा, सब एक एक करके क्लियर करा देंगे आपको, ये सब क्या लगेगा, हलवा लगेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है और ये मेंटेलिटी बना लेनी है कि फ्यूचर में हमको इसी के साथ रहना, इसी के साथ खाना है, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी क्या है, मेन सब्जेक्ट है। चैप्टर 14 इसमें भी कोई चेंजेज नहीं है, चैप्टर 13 में भी कोई चेंज नहीं है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेज नहीं है। आते हैं हम चैप्टर 15 की मैं बात कर दूँ, चैप्टर 15 जो दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है, उसमें दिख रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन,
लास्ट ईयर बहुत कुछ पढ़ना था, लास्ट ईयर चैप्टर 15 से बहुत कुछ पढ़ना था जो इस साल गायब कर दिया है। लास्ट ईयर आपका जो है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना था, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड, उसके मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट थे। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ चैप्टर तुम्हारा 2019-20 के, थोड़ा सा फीडबैक दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा दर्शन करा दूँ। यहाँ पे देखिए चैप्टर 15 पे हम आ गए, देखो कितना बड़ा था, देखो क्या क्या नहीं पढ़ना, मैं बता दे रहा हूँ। ये सीड जर्मिनेशन ख़त्म कर दिया, ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स ग्रोथ रेट ये ख़त्म कर दिया, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, बच्चे इसी में कन्फ्यूज, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंस, मैं देखो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखो डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट तो था ही लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ये सब खत्म कर दिया है, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि जो मैं ग्रीन कलर से अभी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर वाला, यही आपको इस साल पढ़ने हैं, ग्रीन सिग्नल मैं दे रहा हूँ, रेड कलर से जो अंडरलाइन है वो नहीं पढ़ना है। ये ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो है इस साल आपको पढ़ने हैं, ये आपका ग्रीन गलती से हो गया है, यानी कि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ें, ये सीड डारमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म, ये सब सारी चीज़ें इस साल नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबी यानी एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ, लास्ट यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट 5 चैप्टर 16, ये हम आ गए न्यू सिलेबस में जो हमारा सीबीएसई अमेंडमेंट करके भेजा है। देखो 15 चैप्टर दिख रहा है, 15 16 का है नहीं दिख रहा है, यूनिट 5 में पहला चैप्टर क्या है, यूनिट 5 में पहला चैप्टर है 17, यानी कि 16 पूरी तरह से गायब कर दिया है। 16 आप देखना चाहते हैं तो दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 16 देख लीजिए क्या गायब किया क्या था, ठीक। चलो आगे आते हैं, 16 क्या गायब किया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बताया था आपको, 16 क्या था ये देखो, ये हमारा ओल्ड सिलेबस पैटर्न आ गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये चैप्टर 16 था जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड था, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेशन नहीं हटाया, ब्रीथिंग एयर एक्सचेंज नहीं हटाया, रीजन क्या है भाई, कोरोना आउटब्रेक की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जानना है भाई, उसमें हम कोरोना वगैरह के बारे में बताएंगे, बट यहाँ पे क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पड़ा हुआ है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 2019-20 का तो पड़ा हुआ है, बट इस साल ये नहीं पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इजी भी था, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बच्चे थर्माकोल वगैरह पे बनाते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, तो आसान था पढ़ना लिखना और काम करना, बट ये निकाल दिया सिलेबस से, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ 11th 10th में पढ़ चुके होते हैं। तो अभी आप आ जाते हैं चैप्टर अपने ओल्ड सिलेबस पैटर्न पर, मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर पर क्या क्या हमारा ओल्ड नहीं न्यू पे आ जाते हैं 2020-21 के सिलेबस पर आते हैं। बॉडी ये हमारा 17 देखिए जो दे रहा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं, पहले मैं बता दे रहा हूँ 17 में कोई चेंजेस नहीं है, 18 में कोई चेंजेस नहीं है, 19 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका एज यूजुअल है, यानी कि 17 में कोई चेंजेस नहीं, ठीक, 18 में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, और किस में चाह रहे हो चेंजेस, और हमारा जो 19 है 19 में भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, 19 में भी हमारा कोई चेंज नहीं, एज यूजुअल पड़ा हुआ है। नीचे आते हैं 19, ये देखिए 19 ये जो दिख रहा है 19 में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि 18 19 और 20 में कोई चेंज नहीं है। 20 चैप्टर में जो हमारा बहुत कुछ चेंज हुआ है, 20 जो चैप्टर है यानी कि स्केलेटल मसल, ये कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, यही इतना इस साल पढ़ना है, और लास्ट ईयर बहुत कुछ चीज़ें थी इसमें, ठीक है। लास्ट ईयर जो है हमारा जो स्पेशल चीज़ें थी उसको मैं इसको एक बार आपको दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ें गायब हो गई सिलेबस और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, ताकि हम ये जान जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें, आप भी जान जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से गायब हो गई हैं, ठीक है। चैप्टर 20 पे आ जाएं, चैप्टर 20 को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ना था और बोन्स के बारे में खूब सारा पढ़ना था, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ना था, ठीक है, सिलियरी मस्कुलर ये सब सारी चीज़ें पढ़ना था, हालांकि कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन इस साल भी पढ़ना है, स्केलेटल मसल इस साल भी पढ़ना है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इस साल पढ़ना है, लेकिन स्केलेटल सिस्टम इस साल गायब कर दिया, जॉइंट्स गायब कर दिया, हड्डियों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब क्या हो गया,
गायब हो गया। ठीक, इस साल आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इस साल आपको क्या पढ़ने हैं, स्केलेटल मसल पढ़ने हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पढ़ने हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने हैं, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि ये जो जितने भी स्केलेटल सिस्टम है यानी कि बोन्स वगैरह से रिलेटेड जॉइंट्स थे, ये सब इस साल जो है गायब कर दिया है। अभी आप देख ही रहे हैं सिलेबस को जो शॉर्ट आउट हुआ है, एक बार अपने न्यू पैटर्न्स पे भी आ जाते हैं, देखिए कितना छोटा है जो दिख रहा है आपके स्किन पे। ये चैप्टर 20 के आगे क्या दिया है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम गायब कर दिया, यानी बोन से रिलेटेड चीज़ें गायब कर दिया। ठीक है, 21 पे आते हैं। 21 जो दिया हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, 21 से कोई चेंजेस नहीं, 21 से भी कुछ चेंजेज हुए हैं, जैसे आई के बारे में लास्ट ईयर था, ईयर के बारे में लास्ट ईयर था, बहुत ज़्यादा डिटेल था आई का स्ट्रक्चर, ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। लास्ट ईयर स्टूडेंट 12 में आए हुए 11th पास आउट होकर के उनसे पूछोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती थी, वो आती थी ईयर वाले में। ठीक है, बहुत सारा बच्चे ये कहते थे सर ये क्या है, नई चीज़ें बिल्कुल थी। ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा डीप स्ट्रक्चर था, कॉकलिया था, स्टेपीज, इनकस, मैलियस, यानी कि ईयर ऑसिकस वगैरह सारी चीज़ें, इस साल आपका पूरा खत्म हो गया है। इस साल जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो न्यू सिलेबस का ये, यानी कि 2021 का है। न्यूरॉन्स और नर्व्स पढ़ने हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस पढ़ने हैं। ठीक, आपको थोड़ा सा बैक में भी ले जा रहे हैं, 2021 के अलावा आपको 1920 का भी सिलेबस दिखा दे रहे हैं कि चेंजेस क्या क्या हुआ। अभी आपको 21 स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ठीक है, 21 जो फ्लैश हो रहा है उसमें क्या क्या गायब हुआ उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ से आपके जो गायब हुए हैं वो क्या गायब हुए हैं, वो गायब हुए हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स, जैसे आई और ईयर जो हमारा था वो पूरी तरह से इस साल गायब रहेगा सिलेबस से। ठीक है, इस साल जो है पूरी तरह से गायब रहेगा। ठीक है, चैप्टर 22 एज यूजुअल पढ़ा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, दिखा रहे हैं चैप्टर 22 में क्या चेंजेज हुआ है। तो चैप्टर 22 में कोई चेंज नहीं हुआ, ये आपको दिख रहा है चैप्टर 22 कितना कबाड़ा दिख रहा है, ये सब चैप्टर 22 अभी भी एज यूजुअल पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल की मैं बात कर, देखो ये तो हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, चैप्टर 22 में कोई चेंज नहीं, चैप्टर 21 में चेंजेज हुए हैं। ठीक है, और 17, 18, 19 में कोई चेंजेज नहीं हुआ, 16 गायब कर दिया है, 15 जो है सिर्फ फाइटो हार्मोन्स पढ़ना है, 13 में कोई चेंजेज नहीं। ठीक है, 11, 12 आउट कर दिया गया है। ठीक है, 7, 8, 9 जो है वो कोई चेंज नहीं हुआ, 7 में कुछ चेंजेस हुए हैं मैंने बताया था, सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ना है, 16 पूरा सारा सिलेबस से गायब है, 1 से लेकर के 5 चैप्टर में है लेकिन वो कुछ टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी चीज़ें गायब है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थियरी का। अब 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें गायब हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, लास्ट ईयर हमारा जो प्रैक्टिकल था वो 13 एक्सपेरिमेंट थे, कोर एक्सपेरिमेंट अभी इस साल देखो कि कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। लास्ट ईयर ये कितना होता था, ये कुल दिखा रहा था 13 एक्सपेरिमेंट लास्ट ईयर था। ठीक है, लास्ट ईयर 13 एक्सपेरिमेंट था। चलो लास्ट ईयर का ही सिलेबस ओपन करते हैं ताकि आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें गायब हो गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक, उस हिसाब से आप अपनी एक मेंटेलिटी बना लीजिएगा। देखो ये जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो कोर एक्सपेरिमेंट का है, क्या है, कोर एक्सपेरिमेंट का दिख रहा है 13 एक्सपेरिमेंट, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट गायब हुए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 गायब हो गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 गायब हो गया है, प्रिपरेशन ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट एंड स्टेम, ये चैप्टर 2 जो है, ये चैप्टर, ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था टीएस काटना था बहुत आसान था, वो गायब कर दिया इस साल। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो इस साल गायब रहेगा, ऑस्मोसिस पोटैटो ऑस्मोमीटर। ठीक है, कैलेंडर में आप देखेंगे बच्चे कर रहे हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर, इस साल जो है आपका गायब हो गया है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी गायब कर दिया, स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन एपिडर्मल पिन, ये भी थोड़ा सा अच्छा था, ओनियन से हम लोग निकालते थे हालांकि ठीक था, बट इस साल जो है नहीं रहेगा। अब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 रहेगा इस साल, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में चेंजेस नहीं हुए हैं। 6, 7, 10 और 13, ये जो 6 दिख रहा है ये 6 नंबर एक्सपेरिमेंट, ये 6 नंबर, 7 नंबर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो 7 नंबर दिख रहा है ये 7 नंबर, और कौन सा 10 नंबर एक्सपेरिमेंट ये गायब हुआ है, और 13 नंबर ये गायब हुआ है। तो ये हमारा जो 4 6 नंबर है कंपैरेटिव रेट
ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये इस साल जो है नहीं कराया जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपको रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं करना है, हालांकि ये थोड़ा सा आसान था, बच्चे करते थे, ठीक है, और पिंक से ब्लू करते थे, फिर ब्लू से पिंक करते थे, बच्चे जानते होंगे लास्ट ईयर जो 12 से जो 12 में आए हुए 11th पास आउट होकर, ठीक है। टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर स्टार्च प्रोटीन, ये डिटेक्शन ये करना था, इस साल नहीं पढ़ाना है, इस साल इसमें से कुछ चेंजेज हुए हैं। टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, ये इस साल नहीं पढ़ाना है, इस साल आपको कराना भी नहीं है, गायब हो गया है। टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट, ये इस साल नहीं कराना है। तो कुल मिला करके इस साल जो है सिर्फ आपके क्या है 7 एक्सपेरिमेंट करने हैं और 6 एक्सपेरिमेंट करने हैं और 7 जो है इस साल क्या हो गया है कट्स हो गया है। 7 एक्सपेरिमेंट इस साल आपको नहीं कराने हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात करूँ थोड़ा सा, इसका डिस्कशन कर दूँ कि कौन कौन से स्पॉट से कौन कौन सी चीज़ें। देखो इलेवेंथ में क्या होता है कि आपको कुछ टाइम ऑफ लिमिट दे दिया जाता है, चीज़ों को देखना रहता है, उसके बारे में कमेंट्स लिखने रहते हैं, इसी को स्पॉटिंग बोलते हैं। स्पॉटिंग लास्ट ईयर कितने थे? स्पॉटिंग लास्ट ईयर 11 थे, ठीक है, लास्ट ईयर 11 थे स्पॉटिंग, और इस साल जो है 6 काट करके सिर्फ जो है आपको 5 स्पॉटिंग रखे गए, यानी कि 5 स्पॉट्स ही रखे गए। स्पॉट नंबर यहाँ पे दिया हुआ 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 11 तक था, ठीक है, ये स्पॉट नंबर 11 तक था, बट इस साल जो है उसको कट कर दिया गया, उसको थोड़ा सा एक बार हम फोकस कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें गायब हो गई, कौन कौन सी चीज़ें अभी हैं, ठीक है। अभी आपको क्या जानना है, स्पॉट नंबर जो है 6 से 11 पूरा ख़त्म कर दिया है, स्पॉट नंबर 6 से लेकर के ये 11th जो है पूरा जो है कट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि कुल जो है 6 जो है कट किया गया है और 5 ही रहने दिया गया है, यानी कि ये 6 से लेकर के 11 तक इस बार स्पॉटिंग ये नहीं कराया जाएगा, ठीक है, सिर्फ ऊपर के 5 टॉप कराए जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा या आपको फ्रेश सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, और इसी पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो चीज़ें हैं, हमारे लिए नई चीज़ें हैं, अभी तो फिलहाल फिजिकल क्लासेस जो चलने वाले हैं, ठीक है, और वीडियो लिंक में हम आपको न्यू सिलेबस के लिंक भेज देंगे, इससे आप वहीं से आप यूट्यूब लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन जो हमारा न्यू प्रॉस्पेक्टस है सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, सब सारी चीज़ें होगी, ठीक है। सो पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे, थैंक यू।